नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। तमाम प्रयासों के बाद भी शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े से फुटपाथ कारोबारियों को हटाकर बाड़ा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने बैठक कर बाड़े से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए इन हॉकर्स को कंपू स्थित हॉकर्स जोन में भेजने जाने की तैयारी कर ली गई है और हॉकर्स जोन को भी अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जा रहा है। शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर सड़क घेरकर कारोबार करने वाले हॉकर्स के कारण अव्यवस्थित होने वाला ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। इससे यहां आने वाले ग्राहक सैलानी ही नहीं, आसपास के बाजारों के कारोबारी भी परेशान हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के आदेशों के बाद अब सोमवार को इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है, इसलिए कि हॉकर्स को यहां से कंपू हॉकर्स जोन में शिफ्ट करने की तैयारी नगर निगम और पुलिस ने कर ली है। इसके कवायद कंपू हॉकर्स जोन को खाली कराने के साथ शुरू हो गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि महाराज बाड़े पर हॉकर्स नहीं बैठेंगे, इन्हें कंपू हॉकर्स जोन में भेजा जाएगा। रविवार को कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत भसीन और निगमायुक्त संदीप माके ने बाड़ा और कंपू हॉकर्स जोन का जायजा भी लिया। आज जो यातायात में बाधित करते हैं ठेले, उनको हटाने की कार्रवाई है और जो हॉकर जोन है कंपू पर, उनको अलॉटमेंट किया गया था ठेला रखने को, लेकिन उनके द्वारा 40-50 ऐसे लोग हैं जिनने स्थायी अतिक्रमण कर लिया गुमटी आदि लगा के, तो उनको हटवाने की कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। SDM साहब बनवारिया जी हैं, TI साहब हैं कंपू थाने और कोतवाली के, हम सब मिलकर उनको हटा नहीं रहे, उनकी जगह रहेगी जिनको अलॉट है, लेकिन वो गुमटी नहीं रख पाएंगे वहाँ। अब ये तो लगाए होंगे जब भी, अब ये कोई जानकारी नहीं है कब से लगाए हैं, लेकिन लगी हुई है। इनको धंधे करने के लिए केवल ठेला लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा अवैध रूप से गुमटियों का स्थायी निर्माण कर लिया। नगर निगम समय समय पर कार्रवाई करती रहती है, उसी तारतम्य में आज कार्रवाई की। ये कलेक्टर महोदय, SP महोदय और नगर निगम आयुक्त कल जो है निरंतर शहर में भ्रमण कर रहे हैं, तो बाड़े पर जो हॉकर्स जोन बैठा हुआ है उसके लिए एक वैकल्पिक स्थान तलाशने के लिए यहाँ देखा गया कि यह हॉकर्स जोन पहले इसीलिए बनाया गया था, बाड़े के लोगों को शिफ्ट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ 30-40 लोगों ने हॉकर्स में बैठने की, तो काफ़ी लोगों की व्यवस्था है, लेकिन इस 30-40 लोगों ने स्थाई गुमटियाँ बना ली और दुकानें बना ली, शटर भी लगा लिए, तो उससे इनको जबकि दी शर्त पर है कि अपना ठेला लेके आएँ और जो दुकान इनको आवंटित किए, जो वाला इनको जगह वहाँ रखें और शाम को ले जाएँ, इन्हें कुछ लोगों ने पक्की दुकान बना ली, तो वही आज हटा रहे हैं और फिर जो रिक्त जगह बचेगी उसमें वो बाड़े के लोगों को जो है वहाँ से इनको शिफ्ट किया जाएगा जो है, इससे बाड़े का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सुगम होगा। ये तो नहीं, मैं तो अभी ट्रांसफ़र होकर 6 साल बाद आया हूँ जिले में, जो नहीं मिली भगत तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये निरंतर नगर निगम इसमें ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहता है जब भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एकदम से बेदखली भी संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि ये मतलब जो भी ये लोग हैं, ये सब मतलब गरीब लोग हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, तो प्रशासन भी तभी निर्णय लेता है जब एक वैकल्पिक स्थान तैयार हो जाता है और मतलब एकदम इनका वो भी सब इनका भरण पोषण भी सोचना पड़ता है। देखो, कार्रवाई तो निरंतर पहले से ही जारी है, लेकिन आपने ये कहा कि मेरे आने के बाद कार्रवाई हो रही है, तो मैं उसको उचित इसलिए नहीं मानता हूँ कि हमारी मदाखला टीम हो या शासन प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सारा निरंतर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन एक ही कार्रवाई के अलावा क्या है कि अन्य बहुत सारे काम शासन प्रशासन के पास रहते हैं तो उसमें भी लगा रहता है, लेकिन अब क्या है, सख्त कार्रवाई इसलिए हो रही है कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि बाड़े से सारा का हॉकर्स जोन हटा के बाड़े को सुगम यातायात व्यवस्था में बनाई जाए, तो उसी के पालन में ये कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। गर्मियों का मौसम जैसे जैसे अपने शबाब पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में नगर निगम का फायर ब्रिगेड अमला आगजनी की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई करने में लगा हुआ है, जिससे ऐसी किसी घटना में कम से कम नुकसान हो सके। इसके साथ ही नगर निगम अमला फायर ब्रिगेड को कुछ आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराने वाला है, जिससे कि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड प्रभारी केशव सिंह गुर्जर ने एस न्यूज से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही फायर अमले में फायरवॉल और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी गाड़ियों को शामिल किया जाएगा।
एक्चुअली मैं आगे का और टेम्परेचर का बहुत नज़दीकी मामला है, जहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होगा वहाँ आग अपने आप ही कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होगा वहाँ हो जाता है। इसी का कारण है गर्मी के समय में आग ज़्यादा लगती है, इस कारण हमें गर्मी के टाइम पे ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है, पूरा स्टाफ और गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब दुरुस्त करा के रखना पड़ती हैं, बहुत तैयारी से रहते हैं अपेक्षाकृत और अन्य मौसम के। ये तो फायर ब्रिगेड रेस्क्यू में सभी में आता है, बाढ़ आती है तो भी हमको उस टाइप का वो करना होता है, और बरसात में वैसे मतलब हर एक टाइम पे ही हमारा कहीं ना कहीं कोई काम रहता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो इस टाइम पे फायर ब्रिगेड का विशेषकर आग लगने की संख्या बहुत बढ़ती है। और जो शहर में जो गांव में अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो खेत वगैरह में फसलें कटती हैं तो उनका जो मटेरियल निकलता है वो खलिहान में अक्सर गाँव वालों की लापरवाही से कोई बीड़ी जलाते हैं आग लग जाती है, तो बार बार इस टाइप के फायर कॉल बहुत होते हैं। हमारे पास अभी अच्छी कंडीशन में लगभग 10-12 गाड़ी हैं जिनमें और जितने भी फायर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको अपन कुछ भी कहें फायर के जो रेस्क्यू में ज़रूरत पड़ती है वो सारे हैं हमारे पास। और हमने अभी एक नई व्यवस्था और की है जिसमें हमको पानी की बड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे गाड़ी तो हमने 4 पानी के टैंकर और यहीं पर रखवाने के लिए जो यहीं रहते हैं, अक्सर रात वात में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पानी के टैंकर यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी के हम कोशिश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लाने का जिसमें फायरवॉल जैसे रहता है, इस टाइप का कुछ चीज़ें लाने की हमारी योजना है, जल्दी लाएंगे। कोई एक बड़ी गाड़ी भी आ रही है जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जिससे कि ऊपर हाइट पर हम आग बुझा सकते हैं, उसमें जिसमें कि 15 मंजिल तक आग बुझाई जा सकेगी। इस टाइप की गाड़ी का भी हमारे यहाँ से ऑर्डर हो चुका है, अभी हम गुड़गांव गए थे निरीक्षण करके आए हैं, गाड़ी बन रही है। आरटीओ प्रशासन द्वारा शहर में मैजिक वाहन चालकों एवं ओवरलोड ऑटो चालकों के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई के चलते वाहन यूनियन और जिला प्रशासन के बीच चल रहे टकराव के बीच सोमवार को ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी, जिसके कारण बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए अभिभावक परेशान होते नजर आए। मारुति वैन पर पूर्णतः प्रतिबंध और ओवरलोड ऑटो के नाम पर आरटीओ द्वारा जबरन की जा रही कार्रवाई के चलते हो रही इस हड़ताल के कारण कई बच्चे सोमवार को स्कूल भी नहीं पहुंच पाए। अरे आज बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि आज ऑटो वाले बहुत दिक्कत में थे, क्योंकि बच्चे बहुत पैदल आए हैं, फुलबाग से आए हैं, कहीं बेताल से, कहीं अपने लाला की वजह से, हाँ सब अपना काम छोड़ के बच्चों को लेने आए हैं। आज हड़ताल है कि नहीं, आज हड़ताल है ऑटो वाले की, इसलिए ऑटो वाले आए, सुबह रे हम आए थे तो ऑटो वाले छोड़ गए, वो कह रहे आप ले आना। बहुत परेशानी साहब, क्या है अपनी जॉब छोड़ के बच्चों को लेने आना पड़ रहा है, और इतनी धूप में बच्चे जा रहे हैं, ऑटो में जाते तो छाए में भी जाते, टाइम अपना टाइम टूट जाता है, एक ड्यूटी एक्स्ट्रा बन जाती है, अपन ऑटो को देते ही हैं पैसा सारा, उसके बाद भी अपनी एक ड्यूटी एक्स्ट्रा बन जाती है। पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी है, बच्चों को भी, दोनों को परेशानी है, बच्चों का भी रूटीन टूट जाता है, हमारा भी रूटीन टूट जाता है, एक ऑफिस से छुट्टी लेके आना पड़ती है, एक अलग से एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। एक जिला प्रशासन द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर निगम एवं अन्य प्रशासकीय संस्थाओं से सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड आदि पर यात्रियों के लिए पेयजल, ठंडी हवा के लिए पंखे एवं जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके ग्वालियर बस स्टैंड पर पहुंचने वाले यात्रियों को गर्मी के इस भीषण दौर में भी तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ग्वालियर बस स्टैंड इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। बस स्टैंड पर न तो पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध है और न ही सभी जगह पंखे चालू हैं। पीने के लिए यहाँ काफी साल पहले बनी पुरानी पानी की टंकी टूटी पड़ी हुई है और जो एक टंकी लगी है उसमें से गर्म खौलता हुआ पानी निकल रहा है, जबकि इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टैंड परिसर में लगे कंडम और पुराने पंखे भी बंद होकर बेकार पड़े हैं, जिससे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना पानी की व्यवस्था, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है। आप देख रहे हो उधर कचरे की तरफ भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कचरा भी, गंदगी भी है यहाँ पे, साफ़ सफाई भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बस पंखे चल रहे हैं, लाइट आ रही है तो चल रहे हैं, लाइट नहीं होगी तो कैसे आएंगे। स्टैंड पे ठीक है, थोड़ा हल्का सा साफ सफाई तो हल्की सी है,
पानी भी थोड़ा ठंडा ठंडा नहीं आ रहा है, यहाँ गर्मी तो भीषण पर। हाँ, पानी का थोड़ी और व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सुविधा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। पानी यहाँ पे टंकी है उसमें पानी नहीं है, पानी अगर थोड़ा बहुत आता कभी तो नल भी नहीं रहता उसमें, और गर्मी इतना रहता है कि यहाँ पे फैन की बात करें तो फैन आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे चलता ही नहीं है। मतलब सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे पैसेंजर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। गंदगी का भी आप देख लो चाहे यहाँ पे, मतलब साफ सफाई भी इतना नहीं है। अगर कोई यात्री रात को यहाँ पे रुकना चाहेगा तो उसका भी यहाँ पे मच्छर काट काट के उसको बीमार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। आम आदमी के लिए ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को और रोडवेज को दोनों को ही मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। जैसे भारत आज विकास की राह पर जो चल रहा है वो यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। भारत देश कई मान्यताओं का देश है, जहाँ गायों को माँ का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ लोग स्वार्थ के लालच में गायों की तस्करी करने के लिए नए प्लान खोजते रहते हैं। इसी कड़ी में तस्करी के लिए निजी कृषि फार्म हाउस पर छिपाकर बंद कमरे में रखी गई कई गायों को पुलिस और गौ सेवकों की मदद से 28 गायों को मुक्त कराया गया है। इस मामले में संदिग्ध 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। दरअसल गौ सेवकों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि सिख समाज के निजी कृषि फार्म पर गायों को तस्करी हेतु रखा गया है, जिस पर सिटी पुलिस थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने तत्परता दिखाते हुए दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौ तस्करी के लिए बंद कमरे से मुक्त कराया गया गायों को सिंध नदी स्थित गौशाला भेज दी गई। वहीं इस मामले में मनोज नरेंद्र निवासी रामगढ़ डबरा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसका मुख्य सरगना रहमान खान नाम का एक व्यक्ति है जो गौ तस्करी करता है। पुलिस ने रहमान को खोजने का प्रयास कर रही है। एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस में किनारे के साइड में एक रूम बना हुआ है, उसमें एक छोटे से कमरे में कई जानवर, ये गाय गौवंश के जानवर थे, वो काफी क्रूर तरीके से उसमें रखे हुए थे। करीब 28 जानवर उसमें सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उस पर से करीब 28 गाय और बैल उसमें मिले। इसमें से 4-5 लोग मिले थे, जो 2 छोटे बच्चे थे और 2 वृद्ध थे, उनको उनकी छोटी गलती नहीं थी इसलिए उनको छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें 2 व्यक्ति मिले हैं, जिसमें से एक मनोज एक नरेंद्र। इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि रहमान नामक व्यक्ति वहाँ पर गौवंश को ले जाकर और कहीं बेचता था, व्यापार करता था। जो आम से की कार्रवाई है वो प्रत्यक्ष की जाए, एवं चूँकि उस जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ के, मेरे को नहीं लगता कि हमने अपने थाने के रिकॉर्ड में देखा वहाँ की कोई भी पुलिस को सूचना रहने की या व्यापार करने की या इस प्रकार का कृत्य करने की पुलिस को कोई सूचना नहीं। तो जो भी वहाँ का मालिक होगा उस पर IPC की धारा 188, जिसमें कि पुलिस को सूचना न देने का अपराध बनता है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र में आने वाले मोती झील पहाड़ी पर 3 बदमाशों ने प्रदीप शर्मा को गोली मार दी। गोली प्रदीप के पैर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रदीप शर्मा को 108 की मदद से ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घायल प्रदीप ने बताया कि वह ट्रक पर जा रहा था, तभी वहां पर क्षेत्र में रहने वाले 3 बदमाश उसके पास पहुंचे और उससे पहले बातचीत की और उसके बाद उन्होंने पिस्टल से गोली मार दी। घायल प्रदीप का कहना है कि तीनों बदमाश आदतन अपराधी हैं और क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं गाड़ी लेके ड्राइविंग मतलब ट्रक चलाता हूँ, मैं तो लेके जा रहा था, वह स्टार्ट करके प्रेशर बनाने के लिए भैया बैठे, भैया के बगल से बैठा लड़के आए, गोली का बाइक से गोली मार दी सीधी पैर में। कौन लोग हैं, क्या विवाद चल रहा है? मेरा कोई विवाद नहीं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मेरा क्या विवाद होगा? मैं तो पता नहीं, उसकी मोतील के ही हैं अजय परमार, जीतू यादव और गौतम तोमर। हाँ बस वही मोतील में अपना, उससे अभी कुछ दिन पहले भी उनसे मारपीट होगा उन लोगों ने की है, उनका तो मोतील पर मतलब वही दबदबा बनाने के लिए। कुछ पैसे से भी मांग रहे क्या? अरे हम गरीब आदमी, हमसे क्या पैसे मांगेंगे यार, कोई वैसे भी बात हो गया, किराए से रहते हम खुद यार, हम कौन दे पाए। अब ये सूचना तो बहुड़ापुर पुलिस को मिली थी, हमारी बहुड़ापुर पुलिस मोबाइल चली गई थी वहाँ पर सब इंस्पेक्टर तोमर गए थे और वहाँ पर जाके ये प्रदीप शर्मा है, इसको पैर में जो है या तो छर्रा है या गोली भी हो सकती है, वो अभी एक्सरे से क्लियर होगा। उसका कहना है कि जो है
मैं तथा सोनू चौहान और वहाँ पर ट्रक खड़े हुए थे। ये ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी लेके बड़ौदा जा रहे हैं, वहाँ जा रहे थे विजयवाड़ा। दो गाड़ियाँ थी इनकी, मकरानी की दुकान पे ये खड़े हुए थे। तो वहीं पे ये तीन लड़के हैं, ये गौतम तोमर, अजय परमार और जीतू यादव, ये बाइक से आए हैं और इनने फायर किया है। गौतम तोमर ने इसके पैर में जो है लगा है, तो उसको दिखवा रहे हैं कि चोट कैसी है। अभी डॉक्टर साहब ने एक्सरे लिया है, अभी MLC भी मिली जाती है, तो फिर जो भी समीक्षित होगी वो हम कार्रवाई करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर फायरिंग का वीडियो बनाकर हंगामा करने वाले दो युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है और उनके दो साथियों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि युवकों ने बुलेट गाड़ी पर पड़ाव पुल पर नशे की हालत में यह वीडियो बनाया था, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाशने में जुट गई थी और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है एवं दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़के हथियार लहराते हुए और शराब की बोतल लहराते हुए जा रहे हैं। तो वो जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया तो उसको सब सीनियर अधिकारियों ने सबने बड़ा गंभीरता से लिया और उसमें तुरंत थाना पड़ाव में प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया गया और इसमें चार आरोपी नामजद हुए हैं और इनमें से दो आरोपी हरीश किरार और दीपू किरार, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इनसे आग्नेयास्त्र बरामद किया है। ये हरीश किरार है जो वो पड़ाव क्षेत्र में ही गांधीनगर का रहने वाला है और दूसरा जो दीपू किरार है वो पुलिस चौकी के पास घास मंडी। लोकसभा चुनावों में चुनाव सामग्री के परिवहन के लिए GPS वाहन ट्रैकिंग सिस्टम पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन सोमवार को भोपाल में हुआ। कार्यक्रम में GPS नोडल एवं तकनीकी अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में मतदाता जागरूकता को बढ़ाने वाले पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की विश्वसनीयता को हर हाल में बनाए रखना है। GPS से इस कार्य में काफी सहूलियत रहेगी। GPS एक सर्विस अनुबंध है, GPS वेंडर द्वारा लगाया जाएगा तथा कार्य समाप्ति के बाद इसे निकाला जाएगा। GPS वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर रियल टाइम का डेटा दिखाता है, यह वाहन के चलने रुकने और गति को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में एक डिवाइस लगाई जाएगी, जिलों में इसका कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। स्कूली ऑटो वैन चालकों द्वारा RTO कार्रवाई से परेशान होकर सोमवार को शुरू की गई हड़ताल के बाद शहर में स्कूली ऑटो और वैन पूरी तरह बंद रहे। इसके साथ ही ऑटो चालक यूनियन ने फूलबाग चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं जिला प्रशासन पर वैन पर प्रतिबंध की आड़ में हजारों युवकों से रोजगार छीनकर प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। आज जो हम आपके समक्ष देख रहे हैं विरोध करते हुए, हम विरोध कर रहे हैं आज जिला प्रशासन का, जो इन्होंने मारुति वैन जो स्कूल में चल रही थी उनको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। उनका ये कहना है कि कोर्ट ने ये सब किया है। हमारा आग्रह ये है कि कोर्ट ने किया है, आपने कोर्ट को गुमराह किया है। हमारे पास 85 मारुति वैन को परमिट आपके द्वारा दिया गया, आप उनको भी बैन कर रहे हैं। टाटा मैजिक जो है रूट पर चलती है, अगर कोई बच्चे रास्ते में मिल जाते हैं उनको बैठा लेता है और वो रूट पर जाता है, पुलिस वाला पकड़ गाड़ी बंद कर देता, कहता नहीं बच्चे अलाउड नहीं है। भाई उसका परमिट है जिस रूट पर जाने का, क्यों नहीं अलाउड? तो आज हम उन सारी विसंगतियों को लेकर के सुबह से ही हम हड़ताल पर हैं और हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। आज किसी भी स्कूल में कोई ऑटो और कोई वैन बच्चों को लेकर नहीं गई और ये जब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे लिए कोई भी जिला प्रशासन बैठ करके गाइडलाइन नहीं बना देता कि आपकी मारुति वैन को हम किस प्रकार से परमिट देंगे, किस प्रकार से इनका संचालन कराएंगे। आज 1000 मारुति वैन तो आपने बंद कर दी, 1000 लोगों के परिवार कैसे पलेंगे, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, ये नहीं सोचा आपने। आपको बंद करने से पहले एसोसिएशन से बात करके बैठना चाहिए, उसके बाद आपको रास्ता निकालना चाहिए कि हम आपको इस तहत परमिट दे देंगे, आप परमिट ले लीजिए गाड़ी चलाइए।
आज हम हड़ताल पे हैं, पूरे 1000 मारुति बहन और 2500 ऑटो आज पूरे पूर्णतः हड़ताल पे हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। साथ साथ हम आपको और बता दें कि ये नेता जितने भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये हमारा सिर्फ उपयोग करते हैं, हमारे बीच आते हैं, एक सहानुभूति लेते हैं और वोट का एक बोल लेके चले जाते हैं अपना वोट बैंक, लेकिन मदद कोई नहीं करते। जिसी नेता के पास जाओ, उन्होंने कहा भाई कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट से निपटो। तो जब कोर्ट का ही मामला होता तो हम वोट भी तुम्हें क्यों दें भाई? सारे काम आजकल कोर्ट के होने लगे, तो फिर प्रशासन काहे के लिए है? शासन काहे के लिए है? शासन और प्रशासन भी कोई नियम बना सकता? नहीं बना सकता। कोर्ट तो बाद में बात करेगा। तो शासन प्रशासन ने भी हमें सिर्फ गुमराह किया है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें हमारा पूरा जो व्यवसाय है हम उनका बहिष्कार करेंगे। कोई भी मैजिक चालक, टेम्पू चालक, ऑटो चालक, वैन चालक, कोई भी एक भी वोट नहीं डालेगा किसी पार्टी को। सारी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम वोटर कार्ड भी जलाएंगे। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने भी विद्यालयीन कार्य में सेवारत मारुति वैन एवं ऑटो चालकों पर परिवहन विभाग के तानाशाही रवैये के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने स्कूली कार्यों में लगे वाहनों से न्याय संगत टैक्स लेने, स्कूल बसों की गाइडलाइन मारुति वैन पर लागू नहीं करने और महानगरीय क्षेत्र में बड़ी स्कूल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। स्वनियोजित रोजगार के माध्यम से जो मावती बहन बच्चों को शिक्षण, बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे कई बसों से, अचानक परिवहन कमिश्नर और परिवहन अधिकारियों के द्वारा जो बैन कर दिया गया, उससे उनके रोजगार प्रभावित हुआ है। इस रोजगार की दृष्टि के रखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है और साथ में आज से हमने काम बंद हड़ताल भी की है, जो कि 80% से लेकर 100% तक सफल है। हड़ताल अभी हमारी कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई थी, चर्चा के बाद उन्होंने 5:30 बजे पुनः एक बैठक बुलाई है जिसमें पूरा प्रशासन बैठेगा, भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल बैठेगा और मंडल के साथ जो वार्ता होगी, वार्ता के बाद यदि कोई अच्छा सार्थक समाधान निकलता है तो हड़ताल स्वतः समाप्त हो जाएगी, यदि सार्थक समाधान नहीं निकलता है तो हमारा संगठन की मजबूरी है इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। भाजपा के प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता विनय सहस्त्रबुद्धे सोमवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। सहस्त्रबुद्धे गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर आए। ग्वालियर में उन्हें चुनाव के प्रभारी के रूप में भेजा गया है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। गौरतलब है कि विनय सहस्त्रबुद्धे संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्वालियर प्रवास पर जब विनय सहस्त्रबुद्धे से पूछा गया कि ग्वालियर आने के पीछे क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा कि वह इस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे और इस प्रकार के दौरे पर वे अक्सर आया करते हैं। जब उनसे अधिक सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर चल रही है और चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अच्छे आने वाले हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनावों के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इसके लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को ही जारी की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में यह जानकारी दी। इस दौरान जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बताया कि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे, लेकिन 17, 19 एवं 21 अप्रैल को अवकाश होने के कारण जमा करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के तहत निर्धारित संख्या एवं वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा एवं राजनीतिक दलों को निर्वाचन के दौरान विभिन्न अनुमतियों को प्रदान करने के लिए एक सेल गठित किया गया है, जिसके माध्यम से अनुमतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जिले में 16 तारीख से 23 तारीख तक 3 संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे और कलेक्ट्रेट में हमारा जो कोर्ट रूम है उसमें लिए जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके संबंध में बता दिया गया है। इसमें तीन जो अवकाश के दिन हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन है, उन तीन दिवस में नहीं लिया जाएगा। जो नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे वो सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक लिए जाएंगे और जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक प्रपोज़र लगता है और जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसमें 10 प्रपोज़र लगते हैं और एक अभ्यर्थी 4 नामांकन फॉर्म तक जमा कर सकता है। हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 2 जिलों की सीटें लगती हैं। इसमें हमारे ग्वालियर की 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और शिवपुरी के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
हमारे ज़िले में लगभग जो संसदीय क्षेत्र के 19,80,000 के आसपास वोटर्स हमारे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि सभी लोग 12 मई को वोट करें, और ये लोकतंत्र का महात्योहार है, इस दिन आप लोग वोट करेंगे तो हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।